रहमान रहीम। ये प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल गिलगित टी रूम में हम मौजूद हैं। सारे पीएमए वार्ड ए के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं। इन सबसे कंसेंसस करके प्रीफरी वालों से ऑलरेडी हमने किया हुआ था, तो कल हमारा ये तय हुआ कि कल से हमारी स्ट्राइक 3 घंटे की टोकन स्ट्राइक प्लस प्रेस रिलीजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होंगे। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक टोकन हमारी स्ट्राइक होगी। सारों से कंसेंसस करके यहाँ सारे डॉक्टर मौजूद हैं, तो आप लोगों से प्रीफरी के जितने डॉक्टर हैं तलास डिवीजन के और बल्तिस्तान डिवीजन गिजर के जितने भी डॉक्टर हैं, इंशाल्लाह वो अपने अपने जगह में स्ट्राइक जारी रखें। हो सके तो अपने हॉस्पिटल के अंदर गैदरिंग करके जुलूस की शक्ल में भी चलें और मीडिया कवरेज भी देने अपने अपने एरिया से। इंशाल्लाह जब तक ये काला कानून खत्म नहीं होता हम सब एक ही पिच पे होंगे, या ये हमें पोस्टें क्रिएट करके ज़्यादा बना के दे दें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सीनियर रहनुमा पीएमए डॉक्टर आसिफ साहब ने वाजे तौर पर बताया और स्ट्राइक का ऐलान किया कि कल से रोज़ाना 8 से 11 बजे तक एहतजाज होगी, तो वाइडिया पूरे गिलगित बल्तिस्तान के जितने मेंबर हजरात हैं वो सारे मनोहन पीएमए के इस फैसले के साथ 100% मुतफिक हैं और हम भी एहतजाज में बाकायदा शामिल होंगे। इंशाल्लाह जब तक इस काले कानून को ख़त्म नहीं किया जाता है और हमारे जो नौजवान सीनियर डॉक्टर्स का प्रमोशंस का रास्ता हो या न्यू इंडक्शन का हो, इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़ा इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डॉक्टर जाएंगे। हम मुनज़्ज़म हैं और इंशाल्लाह मुनज़्ज़म ही रहेंगे। जिस तरह आसिफ साहब ने कहा साहब ने कहा है कि कल से टोकन हड़ताल होगी, तो इंशाल्लाह इनकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ और हम इंशाल्लाह कल 8 से 11 बजे तक टोकन हड़ताल करेंगे। वो बड़ी बंद रहेगी और इसी के साथ साथ हम आवाम को भी कोशिश करेंगे कि हम अपने जो मुतालबात हैं, तो उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको भी हम अपना मुतालबात जो है वो उनको बताएंगे ताकि वो भी समझेंगे, ताकि ये स्ट्राइक कामयाब होगी तो आवाम का फ़ायदा होगा, कम जनरेशन का डॉक्टरों का फ़ायदा होगा। इसलिए हम सब ने यूनिवर्सिटी ने यह फैसला किया है कि कल से 3 घंटे की हड़ताल होगी। ग्रेजुअली हम इस हड़ताल को बढ़ा देंगे। अगर ब्यूरोक्रेसी ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया तो फिर हम कंप्लीट शटडाउन की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। ये चल आवाज़ ठीक है तो शेयर कर, ईमेल भेजें।